दोस्तों, ये मेरा ये मैसेज आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या स्कैम हो। और मेरा ये छोटा सा एसएमएस आपको हर वीडियो में लगा मिलेगा। और एसएमएस ये है कि मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई पर्सनली मैसेज नहीं चाहता, ना ही कोई जीमेल आईडी का पासवर्ड पता करने के लिए, जीमेल आईडी के लिए, या किसी ओटीपी के लिए, या कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई भी किसी आपको किसी भी यानी कि राशिद नाम से कोई मैसेज आए, या राशिद अहमद नाम से कोई प्रोफाइल बना के मैसेज करता है जिसमें वो जीमेल आईडी पता करने की कोशिश करे, या ओटीपी पता करने की कोशिश करता है, या आपसे कोई फंड की डिमांड करता है, तो समझ लीजिए कि वो कोई स्कैमर है, हैकर है, या कोई फ्रॉड करना चाहता है। तो आप किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स या अपना फंड ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। ये मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आप ताकि अवेयर रह सके, क्योंकि कोई भी नया सब्सक्राइबर आ रहा है उसको ये मैसेज मेरा रेगुलर मिल पाए। किसी को भी अपना फंड ट्रांसफर ना करे, चाहे वो राशिद अहमद बनके ही आपसे क्यों ना बात करे, किसी को अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर ना करे। ये मैसेज आपको रेगुलर मेरी हर वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और बहुत सारी ट्वीट भी देख रहे थे, बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते, घबरा जाते कि सर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो रही है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो रही है। बात सब ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो दे चुका हूं, और फिर से चलिए थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं डिजिटल मार्केटिंग प्लस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बन के पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, वर्क फ्रॉम होम घर से काम कैसे करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज सभी जगह लॉकडाउन है, आर्थिक व्यवस्था एक तरीके से बिगड़ी हुई है, तो घर से ही अपने आप को एक बिजनेसमैन माइंड किस तरीके से कन्वर्ट करे, घर से बैठ के ही अपने इस मोबाइल को इनकम सोर्स किस तरीके से पैदा करे, इस मोबाइल को मनी मेकिंग मशीन कैसे बनाए, ये सारी चीजें मैं सिखाने की रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर क्या क्रिप्टो बैन हो जाएगी, क्रिप्टो बैन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो एक चीज मेंशन करता हूँ, देखिए यह सभी को पता है आप लोगों को, कि जितने लोग मेरे साथ पर्सनली टच में उनको एक चीज का पता है कि मैं एक बात बोलता हूँ कि भाई साहब सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लो, नोट कर लो, माइंड में बिठा लो ये बात, ये वाकई में बहुत बड़ा सक्सेस का एक राज है। ये द सीक्रेट मूवी आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, रिक्वेस्ट मेरी वीआईपी लोगों को, मैं सभी को दिखा चुका हूँ। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकती है, आपकी लाइफ से हर वक्त जो आने वाली निगेटिविटी है उनको निकाल करके सिर्फ पॉजिटिविटी में बदल सकती है। दोस्तों, इस मूवी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस मूवी के ऊपर पूरी एक मैं रिव्यू तैयार कर रहा हूँ, अभी वो वीडियो आपको आ जाएगी, लगभग आधा घंटे की वीडियो रहेगी, वो मैं दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको जिंदगी में देखिए, इंसान जो सोचता है उसको वही मिलता है, आज समझने की कोशिश कीजिएगा, इंसान जो सोचता है उसको वही मिलता है, इसलिए इंसान को वही सोचना चाहिए जो उसको लाइफ में चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट इंसान वो सोचता है जो उसको चाहिए नहीं है, और बाय डिफॉल्ट उसको मिलता भी वही है जो वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में बार 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 सोच रहा था। चलिए दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है वो चीज उसको मिलती है, इंसान जिस चीज के बारे में ख्याल बनाता है, जिस चीज की फीलिंग लेता है वो चीज उसको मिलती है। इसलिए इंसान को जिंदगी में वही चीज सोचनी चाहिए, वही चीज फील करनी चाहिए जो उसको लाइफ में चाहिए, लाइक पॉजिटिविटी, सक्सेस, प्रॉफिट, ये चीज हमें सोचनी चाहिए। लेकिन लोगों का ध्यान जो है कहां कन्वर्ट हो जाता है, निगेटिविटी की तरफ, कि यार मेरे को लॉस ना हो जाए, मैंने जो क्वाइन खरीदे ये लॉस में ना चले जाए, या डाउन ना आ जाए, यार मार्केट डाउन ना आ जाए। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ना ही इनके बारे में सोचना चाहिए, ना इनके बारे में कभी सुनना चाहिए। और मैं आपको पता है, आप जब मुझे पर्सनली मैसेज भेजता है कोई क्रिप्टो बैन के बारे में, क्या लिखता हूं, डोंट मैसेज अगेन लाइक दिस, बिकॉज जिंदगी में सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचो, उसी चीज के बारे में बात करो, उसी चीज के बारे में सोचो जो आपको जिंदगी में चाहिए, कभी उस चीज के बारे में बात कर मत करो, मत सुनो, मत सोचो, मत कहो जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए, नहीं तो वही मिलती है भाई। तो उस चीज के बारे में आप समझ रहे हो, जिंदगी में इंसान को वही चीज मिलती है जिसके बारे में वो सोचता है, और बाय डिफॉल्ट इंसान की कमियां ये है कि वो उन चीजों के बारे में सोचता है जो उसको लाइफ में नहीं चाहिए, और बाय डिफॉल्ट उसको वही मिलती है, क्योंकि वो सोच ही वही चीज रहा है, निगेटिविटी सोच रहा है, लॉस सोच रहा है, मार्केट डाउन आ जाए वो सोच रहा है, क्रिप्टो डाउन आ जाए वो सोच रहा है, उसको मिलता भी वही है। दोस्तों, हमें हर वक्त पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना है, क्रिप्टो में प्रॉफिट कैसे निकाले उस पर ध्यान रखना, सीखने के ऊपर ध्यान रखना, लर्निंग प्रोसेस में रखना। तो सबसे पहले तो मन से ये क्रिप्टो बैन वाली बातें निकाल लो, क्योंकि 2017 से मैं सुनता आ रहा हूँ, 2017 से मैं सुनता आ रहा हूँ क्रिप्टो बैन हो जाएगा, 17 में भी नहीं हुआ, 18 में हुआ, 19 में फिर बिल आया, 20 में, 21 में, अभी 21 चल रहा है।
देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज आपको, और जो वीडियो ये देखेंगे उनका एक्चुअल समझ में आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर 1996 से है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर 1996 से जब से एमवे कंपनी स्टार्ट हुई थी, और 1996 से ही लोग ये सुनते आ रहे कि इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ बनेगा, प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी, प्रॉपर इसके ऊपर एक कानून तैयार किया जाएगा जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत सिर्फ वही कंपनी काम करेगी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत कंफर्म होगी, रजिस्टर्ड होगी। और मैं रजिस्टर्ड की बात करूं तो लगभग 450 कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन कंपनी की बात करूं तो लाखों कंपनियां चल रही है। 1996 से सुनता रहे, चलो मैं तो 2017 से हूँ, लेकिन 2017 में भी जो लोग मिले वो भी यही कहता था 1996 से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इसके ऊपर एक लॉ आएगा जिसके ऊपर सिर्फ वही कंपनी काम करेगी जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में रजिस्टर्ड होगी। लेकिन आज लाखों कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, 450 कंपनियां, लेकिन चल सब रही है। अब एक चीज समझिएगा दोस्तों, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर प्रॉपर लॉ नहीं आया है, लेकिन फिर भी कंपनियां चल रही, रोज नई कंपनियां लॉन्च होती है, 15-20 दिन महीना चलती है, लोगों को पैसा खसोट के ले जाती, भाग जाती है। गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर अभी तक लॉ नहीं बनाया, फिर कंपनी लॉन्च होती है, फिर आती है 15-20 दिन महीना, लोगों को बेवकूफ बनाएगी, पैसा ठीक है साइड हो जाएगी, अभी तक लॉ नहीं बना उसके ऊपर। 10-15 साल हो गए प्रॉपर उसके ऊपर अभी वर्किंग चल रहा है, क्या हो रहा है अभी कह नहीं सकते। बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, 2 साल बाद 5 साल बाद बनेगा जरूर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक इंसान को स्ट्रगल कर सकती है आने वाले टाइम में। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक इंसान को स्ट्रगल कर सकती है आने वाले टाइम में। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है ये आज की डेट में, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को स्टेबल सिर्फ कर सकती है तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, क्योंकि आज की डेट में आप सभी को पता सिचुएशन कितनी खराब होती जा रही है। तो दोस्तों अभी तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई लॉ तैयार नहीं हुआ है, हाँ बातें चल रही है 2017 से मैं सुनता आ रहा हूँ, बातें चल रही है कि लॉ बनेगा, लेकिन अभी तक लॉ बना नहीं है। देखिए क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में ना तो बैन किया गया, ना ही अभी इलीगल किया गया है, तरीके से चल रही है, जैसे लाइक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही है उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है। तो क्रिप्टो करेंसी बैन नाम की तो चीजें आप दिमाग से निकाल लो, बैन होने का कोई संभावना मुझे नहीं लगती कि शायद होगी कभी। रीजन क्या है, देखिए आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, अब आप समझिए कि आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सुधर सकती है, क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं यार, घर पे बैठ के कौन सा ट्रेडिशनल काम कर लेंगे लोग, घर पे बैठ के कौन सी जॉब कर लेंगे लोग, कुछ लोग हैं चलो वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब 99% लोग नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी के इसके पक्ष में आना पड़ेगा। अब देखिए वो आपको मैंने एक न्यूज पहले वीडियो भी दी थी, उन्होंने बोला भी था कि हम क्रिप्टो करेंसी के पक्षपात में, मतलब पक्ष में हम इसको नकार नहीं रहे, इसके ऊपर विंडो खुली रखी जाएगी। अभी एक न्यूज और निकल के आई है, पहले तो देखो मैं आपको बताया था, पहले क्या आई कि कोई न्यूज़पेपर था पता नहीं लोगों ने शेयर किया था, मैं तो पढ़ता ही नहीं ना देखता हूँ, लेकिन थोड़ी सी हेडलाइन में जरूर पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर तो कर सकूँ। उसमें लिखा था कि RBI कुछ डिपॉजिट वगैरह, बैंक विड्रॉल वगैरह कुछ बंद कर रही है सब कुछ। दोस्तों एक चीज़ समझिए, क्या कोई ऑफिशियल कभी किसी ने ऐसा अनाउंस किया है? न्यूज़ आ गई आपने मान लिया, न्यूज़पेपर में छाप दिया आपने मान लिया, मीडिया ने छाप दिया आपने मान लिया। अरे भाई साहब ये मीडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की मीडिया की, जो पॉजिटिविटी को कम और निगेटिविटी को ज़्यादा शेयर करती है, अच्छाई को कम बुराई को ज़्यादा शेयर करती है, भलाई को कम और बुराई वाले सारे काम को ज़्यादा शेयर करती है, जो काम जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं उनको कभी शेयर नहीं करेगी, उनको कभी वायरल नहीं करेगी, जो काम बुरे कर रहे होंगे उनको वायरल कर देगी, इस मीडिया के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो। दोस्तों जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए कि हाँ RBI ने ऐसा अनाउंस कर दिया है, न्यूज़ में ना आ जाए, प्रॉपर जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला रमन जी, जब तक वो ना बोल दे तब तक आप कैसे मान लेंगे? भाई साहब ऑफिशियल अगर आ जाए तो मैं भी बोलूंगा हाँ यार अब सही है, लेकिन जब ऑफिशियल अनाउंस ही नहीं हुआ तो भाई साहब क्यों मान ले हम, क्यों अपने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके अपना लॉस कर ले? भाई साहब ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। उसके बाद फिर चाइना की न्यूज़ आ गई कि चाइना ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, ऐसा हुआ कुछ नहीं, कुछ दिन बाद देख लेना अभी चाइना में क्रिप्टो चलेगा, USA में क्रिप्टो चल रहा है। अब इंडिया में एक न्यूज़ आ गई अभी परसों की डेट में, बाहर कुछ आया था फोटो मुझे भेजा था किसी ने, कहता सर इंडिया में तो अलाउड कर दिया इसको, मतलब विंडो खुली रखी जाएगी, अलाउ तो नहीं किया कि उस पर क्या बोला है कि न्यू विंडो तैयार हो रही है, उसके ऊपर रेगुलेशन रूल्स लाए जाएंगे और ये क्रिप्टो को इंडिया में बैन नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर रेगुलेट किया जाएगा। अब इससे क्या मतलब समझ रहे हो आप, रेगुलेट किया जाएगा मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक अच्छा साइन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में रेगुलेट हो सकती है इंडिया के अंदर, यहां पर ये लीगल हो सकती है, प्रॉपर वर्किंग कर सकती है। तो कुछ सिचुएशन बीच में ऐसी आती है जो पैनिक सिचुएशन होती है, जो हमें घबराने डराने के लिए आती है, तो हमें उस टाइम डरना नहीं है भाई साहब, सीखने की जरूरत है हमें। बार बार क्यों बोलते हैं हम ट्रेडिंग को सीखने की जरूरत है,
किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए उस इंडस्ट्री की नॉलेज और सीखने की जरूरत है। नॉलेज भाई साहब, ये नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाती है, ये नॉलेज ही आपको सक्सेस करती है, ये नॉलेज ही आपको बताएगी कि आपकी जिंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा है, ये नॉलेज ही आपको सिखाती है क्या इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो सकते हो। नॉलेज लेना बहुत जरूरी, कुछ लोग नॉलेज भरी वीडियो को देखते नहीं है। अभी ये वीडियो मैंने शेयर करूंगा, देखिए देख लेना कितने लोग देखेंगे इसको, और क्रिप्टो करेंसी कोई वीडियो डाल दो उस पर हजारों व्यूज आ जाएंगे, 10,000 व्यूज आ जाएंगे। एजुकेशनल वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं, क्यों? लोग सीखना चाहते नहीं, गलती बताते हैं लोगों की, फिर अरे भाई साहब अपनी गलती मान लो, आप सीख नहीं रहे हो। अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो भाई साहब गलती किसी और की नहीं, हमारी है, क्योंकि हम सीख नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे। कुछ भी हमारी जिंदगी में गलत होता तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम हैं। या तो हमारी सोच का नतीजा है या हमारे किए हुए कर्म का फल है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार समझा रहा हूँ। तो ये दिमाग से निकाल दो कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगा। क्रिप्टो करेंसी बैन होने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी लीगल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, काम धंधे सब बंद पड़े हुए, सब ठप हो चुके हैं। COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बहुत से घर ऐसे जो उजड़ गए बेचारे, बहुत सारे घर ऐसे जिनकी जॉब चली गई, जिनका बिजनेस ठप हो गए। अरे यार उनसे पूछो ना उनकी सिचुएशन क्या है भाई साहब। अगर इन तरह के काम को हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर रेगुलेट नहीं करेंगे, तो किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को सुधार पाएंगे हम लोग? हमें आगे आना पड़ेगा, हमें मिलकर आगे चलना पड़ेगा। रेगुलेटरी सिस्टम को, ये सारे सिस्टम रेगुलेट हो जाएंगे। बस आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव के साथ चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें शेयर कीजिए हर वक्त, पॉजिटिव जो चीज़ लाइफ में चाहिए उसके बारे में बातें कीजिए। भाई साहब कोशिश करता हूँ बार बार रेगुलर आप लोगों को अपडेट देने की, कोशिश करता हूँ रेगुलर आप लोगों को समझाने की, बताने की, ताकि आप लोग जिंदगी में कुछ इंप्लीमेंट कर पाए, कुछ चेंजेस ला पाए। चेंजेस लाएगा तभी कुछ चेंज होगा भाई साहब। आप सोच रहे हो बैठे रहने से चेंज हो जाएगा, कुछ नथिंग विल चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा भाई साहब। चेंज तो हमें करना पड़ेगा ना यार, जिंदगी हमारी है तो भाई साहब एक्शन भी तो हमें लेना पड़ेगा। तो चेंज कब होगा? जब हम सीखेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और समझ में अगर आया तो लाइक करके कमेंट्स करके जरूर बता दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।